क्या होता है मैडम कि जब कोई सामाजिक कार्य करता है, हमने देखा है कि 90% लोग जो रहते हैं इसमें बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं, फिर एक कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, पता चलता है कि वहाँ से भी सोशल एक्टिविटी की जाती है, लेकिन आरोप भी बहुत लगा है खाते में ही सवाल ही नहीं है। आपको अगर किसी को भी ये जानकारी चाहिए तो वो मेरा ICICI बैंक में NGO का अकाउंट है, एक्सिस बैंक में, वहाँ जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि हनुमान डिग्री मीन्स रेड लाइट एरिया है, देह बिक्री करने वाली महिलाओं के बारे में जानते हो कुछ? तो एक सेकंड में एकदम पॉज हो गई कि अरे लाइफ में तो सिर्फ हमने गॉसिप्स किए, सुना है, पिक्चरों में देखा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कि जो कामाटीपुरा में एज अ डॉक्टर जाके चेकअप वगैरह करते थे। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है मैडम कि आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि कोविड में रेड लाइट क्षेत्र में गवर्नमेंट की तरफ से जो वहाँ की महिलाएं उन्हें मदद के तौर पर राशि दी गई थी, तो आरोप लगते हैं, अनगिनत RTI जाते हैं, उनका जवाब हम देते हैं और हमें कोई इल्लीगल काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आज हमारे स्टूडियो में भिवंडी शहर की एक ऐसी समाज सेविका, जो आपको बता दें कि 2012 में इनकी शुरुआत भिवंडी शहर से हुई थी सामाजिक कार्य में, और 2012 के बाद आज हम कह सकते हैं कि 2022 हो चुका है, यानी कि इस 10 साल के पीरियड में उन्होंने भिवंडी शहर में कई ऐसे सामाजिक कार्य किए जिनके बाद उनका नाम जो है हम कह सकते हैं कि भिवंडी शहर में एक सामाजिक सेविका के रूप में जानने लोग पहचानने लगे हैं। विशेष तौर पर स्वाति सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कई सामाजिक कार्य को लेकर जिन्होंने 2012 का जो सफ़र 2022 तक की कैसे पूरा किया, और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि 2023 में कहीं ना कहीं ये जो है राजनीतिक दामन थामने वाले हैं, इस तरह की जानकारी में अब इसके पीछे सच्चाई क्या है, उन सच्चाई को लेकर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है स्वाति सिंह जी। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में ढेर सारी स्वागतों के साथ में यहाँ पर जो आगमन हुआ उसके लिए शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने अपनी सामाजिक कार्य में काफ़ी चढ़ाव उतार भी देखे, 2012 से लेकर 2022 का जो सफ़र कैसा रहा उसके बारे में बताएंगे। सफ़र तो सफ़र होता है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे अच्छा माने या बुरा माने, और जहाँ तक मेरी बात है तो सफ़र तो अच्छा रहा है। सफ़र अच्छा रहा 2010 साल के पीरियड, लेकिन हमें सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि 2023 जो नगर पालिका का चुनाव है उस चुनाव में क्या आप हिस्सा लेने वाली हैं, चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, इस तरह की जानकारी जो हमें मिली इस पर क्या सच्चाई है? संदीप भाई, थोड़ा सा हंसी आ रही मुझे इस बात पे, ये कौन सूत्र है मुझे तो नहीं पता, मुझे या मेरे परिवार को तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। पहले तो मुद्दा आता है कि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, फिर सेकंड मुद्दा आता है चुनावी, ऐसे ही डायरेक्टली कोई चुनाव के लिए खड़े। एक्चुअली क्या होता है मैडम कि जब कोई सामाजिक कार्य करता है, हमने देखा है कि 90% लोग जो रहते हैं इसमें बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं, फिर एक कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, चुनावी मैदान में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो इन सारी बातों को लेकर जो है आपके ऊपर जो सवाल खड़ा हुआ उस सवाल को मैंने आपके समक्ष रखा और उसी का जवाब मैं चाह रहा था कि मतलब इन शॉर्ट में अगर आपका जवाब अगर मुझे देना है तो डायरेक्टली मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मैं जो भी सामाजिक कार्य कर रही हूँ उसे कोई राजनीतिक से जोड़ने के लिए मैं समाज कार्य नहीं कर आने वाले समय में उसका तो एट प्रेजेंट मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये जो ये हाँ या ना में कोई जवाब नहीं है, ये पूरा डिपेंडली सुनिए, ये जो आपने हाँ या ना ये हर किसी का जवाब रहता है ना, लेकिन हमने देखा है कि ना बोलने वाले हाँ में मतलब तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वो चुनावी रणनीति में उनका मतलब एक कह सकते हैं जैसे कि लोगों के बीच में आप सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों की एक इच्छा रहती है कि हमारे बीच में आप रहे, उनके बीच में रहकर उनके जो सामाजिक जो कामे रहते हैं उसमें काम करते हैं, फिर उनकी एक इच्छा हो जाती है कि आने वाले इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनावी मुद्दा है अगर उस बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी बिल्कुल भी ना है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपने सामाजिक कार्य को राजनीतिक से जोड़ने में। रहा सवाल 2024
रहा सवाल आगे का, तो हम आज का ही नहीं जान पा रहे, तो आगे का जवाब मैं अभी से आपको कोई कमिटमेंट कैसे दे? एक रहता है जैसे कि आप राजकरण, फिलहाल मुझे कोई भी राजनीतिक पक्ष में जुड़ने का मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उद्देश्य क्या है फिर आपका जो आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं? मैंने जैसे कहा कि मुझे अच्छा लगता है, वो भी जेन्युइनली और नीडी, जो बिल्कुल भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी ही मदद करना मुझे अच्छा लगता है। और हालांकि आपने भी देखा है, मुझे लगता है आपकी और मेरी शुरुआत लगभग हुई है, और काफी पुरानी यादें हैं आपके साथ भी, हमने मिलके बहुत काम किए हैं। आप लोग पूरे पत्रकार बंधुओं का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है डे वन से और आज भी। सो दैट कि जो मुझे अब ये हनुमान टेकड़ी का एक प्रोजेक्ट जो मुझे मिल गया है, वो किस तरीके से मिला, क्या मिला, इसकी बहुत बड़ी लंबी कहानी है। और आई एम कमिटेड, मैं वहाँ पे वचनबद्ध हूँ। वहाँ की बहनें जब बाहर निकलने के लिए या कोई भी चीज़ को अपोज करने के लिए, जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, उस समय मुझसे उन्होंने कुछ वचन लिए हैं कि आज अगर हम इस चीज़ को अपोज करके हम लड़ते हैं तो हमारा साथ कौन देगा। चलिए मान लीजिए आज हम लड़ रहे हैं और कल आप ही हमारे साथ नहीं रहेंगी, तो आज की हमारी जिंदगी और नरक से भी बदतर हो जाएगी। तो मैं उनसे वचनबद्ध हूँ कि मैं आपका साथ कोई भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, बस एक शर्त है कि आप कहीं गलत मत रहिए। जिस तरह से देखा गया है कि ये लड़ाई आप पिछले 8 साल से लड़ रहे हैं, इसमें इस लड़ाई में कुछ आपको मतलब हासिल हुआ या नहीं? क्योंकि अभी भी देखा गया है कि रेड लाइट एरिया उसी तरह है। नहीं, काफ़ी चेंजेस है रेड लाइट एरिया में। पहले महिलाओं के पास राशन कार्ड तक नहीं थी, उनकी अपनी एक पहचान नहीं थी, आधार कार्ड नहीं थे, उनके बच्चों को स्कूल जाना ये तक पता नहीं था। आज आप आके देखिए, हर घर का बच्चा स्कूल जा रहा है, डे केयर सेंटर से अटैच्ड है। और मेरी जो मंशा थी कि गवर्नमेंट की लॉबी यहाँ काम करे, कोई एनजीओ के ही ऊपर वो डिपेंड रहे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, और उसमें सक्सेस है आज हम। लॉकडाउन में आपने काफ़ी जो है रेड लाइट एरिया की बात करी, और अदर भी बात करें तो काफ़ी वहाँ पर जो है अनाज की किट आप पहुँचाने का काम किए थे। हमने देखा कि कई राजनीतिक दल से लोग जुड़े हुए, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि प्रांत अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, तहसीलदार भी आए थे, डीसीपी साहब, उनके हाथों से भी आपने वितरण किया। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है मैडम कि आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि कोविड में रेड लाइट क्षेत्र में गवर्नमेंट की तरफ से जो वहाँ की महिलाएँ उन्हें मदद के तौर पर राशि दी गई थी, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, जो भी काम है, मोदी जी आए तब से तो काफ़ी अच्छा काम ऑनलाइन काम हो रहा है। सो आपका पहला सवाल का जवाब तो ऑनलाइन ही आपको दे सकती है, ठीक है। और जो भी महिलाओं को माननीय उद्धव ठाकरे साहब, जो महाराष्ट्र के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जिन्होंने सेक्स वर्कर्स को कोविड की हेल्प दी है, तो ये महिला बाल अधिकारी, कलेक्टर, इनके थ्रू डायरेक्टली उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं। इसमें कोई भी एनजीओ का, मैं ही नहीं, इसमें भिवंडी की कोई भी एनजीओ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, हमें एक हेल्पिंग हैंड लिया गया था कि जिन भी महिलाओं के बैंक अकाउंट है या उनके अकाउंट नहीं है तो आप ओपन करवा के हमारे तक भिजवाइए, मतलब इनडायरेक्टली उनके खाते में ही। सवाल ही नहीं है। आपको अगर किसी को भी ये जानकारी चाहिए तो वो मेरा ICICI बैंक में एनजीओ का अकाउंट है, एक्सिस बैंक में, वहां जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि जब से मोदी सरकार, बीजेपी भाजपा की सरकार ने ये ऑनलाइन सिस्टम किया है, मैं तो कहती हूँ हमारे जैसे लोग बहुत आसानी से बच सकते हैं, बच ही रहे, क्योंकि दिस इज टोटली ट्रांसपेरेंट से काम हो रहा है। ये सरकार की जो भी हेल्प है वो नीडी पर्सन को डायरेक्टली जा रही है। बीच के जो मझधार वाले लोग थे वो अब सब खत्म हो चुके हैं, और हम तो एक सोशल वर्कर है। अगर हमें गवर्नमेंट बात की जाए, जैसे भी आपने कहा कि डायरेक्ट सीधा उनके अकाउंट में पेमेंट जा रहा है, बात की जाए तो जिस तरह से रेड लाइट क्षेत्र में देखा कि हमने ये देखा कि जो नगर सेवक का काम होता है, जैसे कि मूलभूत सुविधा, साफ सफाई, वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है, इस पर आपने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाया? बहुत बार उठाया है, और आज तो वहाँ पे फ्री में वाटर सप्लाई हो रहा है। मुझे लगता है संदीप जी, आप पहले चल के वहाँ सर्वे कीजिए और उसके बाद आप मुझे सवाल पूछिए। मैं एकदम फ्रैंकली आपसे बोल रही हूँ, रहा नगर सेवक का, तो मुझे किसी के ऊपर भी कोई भी दोष प्रत्यारोप नहीं आप करना है। कर रहे वहाँ पर आपने जिस तरह से कहा कि वचन बंधक, वचनबद्ध हूँ, सही बात तो है। तो
इसी विषय पर मैंने उनकी जितनी भी प्रॉब्लम थी सुविधा मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे देखिए मैं तो कोई पावर में नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जितना मुझसे मुझे पता है कि हाँ ये गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाके हमें इनकी एक रिक्वेस्ट करनी है उतना काम मैं कर रही हूँ और रिक्वेस्टफुली हमारा जो भी आज तक आपने काम कहा कि वाटर जो है उन्हें फ्री में मिलने वाला है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। ये जानकारी मुझे नहीं थी, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी सामाजिक कार्य में। पंकज आशिया सर जो थे वन ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ भिवंडी, जिन्होंने कोविड में यहाँ आके कोविड कंट्रोल किया, वरना हमें लग रहा था कि मेरी भी कहीं ना कहीं फोटो और हार लगने वाला है, क्योंकि आप जान रहे थे कि उस समय में आपने काफी बहुत ही भयंकर परिस्थिति थी और जो म्युनिसिपल कमिश्नर आए पंकज आशिया सर, उसी समय हमारा उनसे परिचय हुआ। सर को हमने पूरी डिटेल बताई कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम से म्युनिसिपैलिटी का ही पानी वहाँ के टैप मार के जो आम तरीके होता है उसी पानी को बेचा जाता है। महिलाएं ऑलरेडी कोविड से अपना बिजनेस पूरा बंद कर चुकी है, वो महीने का 500 रुपीस भी किसी को रेंट भी नहीं पे कर पा रही है, तो इसके मामले में आप क्या कर सकते हैं। हमने उन्हें दो ही रास्ते बताए थे, या तो इनके लिए सेपरेट कनेक्शन करके दीजिए या फिर जितने इलीगल कनेक्शन वाटर सप्लाई के वहां चल रहे आप उसे डिस्कनेक्ट करवाइए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए। तो सर ने कहा कि बेटर वे कि हम इनके लिए एक सेपरेट कनेक्शन करवा देते हैं और ये उन वहाँ के बहनों के लिए होगा। जिस तरह से देखा, ये भी हमें ये भी जानकारी मिली है कि रेड लाइट क्षेत्र में आपने महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। मुझे लगता है कि आपने कुछ एक अगरबत्ती की कंपनी चालू किया था आपने, कितनी महिलाओं को उसमें रोजगार प्राप्त? वो जो था वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए हमें मिला था, वो भी एक सोशल, जो सामने वाला बंदा था कंपनी ओनर वो भी एक सोशल कॉज पे ही कर रहे थे, सो हमें वो 3 महीने के लिए ही काम मिला था। उस समय फर्स्ट वेव था जब कोविड का, तो लगभग 40-50 महिलाओं को वो काम वहाँ पे मिला था 3 महीने के लिए। अभी वो कंपनी बंद हो गई थी, वो तो 3 महीने के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हें रोजगार देने का वादा किया था, तो रोजगार तो आज भी उन्हें मिल रहा है। क्या अभी क्या कर रहे हैं? आज अब पेपर प्लेट मेकिंग की फैक्ट्री चल रही है, आने वाले समय में महाराष्ट्र का ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं को दावत दी जा रही, मतलब बुलाया जाएगा उसमें, और मैं उसको थोड़ा सस्पेंस में है अभी, वो उसके बारे में बोलने का ये समय नहीं है, लेकिन आपके सवाल का एक शॉर्ट में मैं जवाब देना चाहती हूँ। जब आज तक मैं जब से काम कर रही हूँ, मैंने किसी भी बहन को ये नहीं बोला है रेड लाइट एरिया की कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हो, आप इसे बंद करो या आपको ये काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किस परिस्थिति में वहां आई है ये उन्हें ही पता है। हर कोई अपने पेट पालने के लिए सर्वाइव हो रहा है, तो पहले तो उन्हें कोई अल्टरनेटिव हमें खड़ा करना चाहिए, जॉब बदलिए बताइए या कंपनी बताइए, तब हम उन्हें बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको पेट ही चलाना है अपना तो आप ये काम करके भी चला सकते हैं। सो दैट हमने इसके लिए फॉलोअप लिया कलेक्टर सर से, महिला बाल अधिकारियों से कि हमें यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट आप दीजिए। आप कोविड में बोल रहे हो ना कि सेक्स वर्कर्स है इनकी वजह से कोविड फैलेगा, बंद करो, फौरन बंद करो, तो आप कोई दूसरा भी दरवाजा उनके लिए खोल के दीजिए, एज अ गवर्नमेंट आपका क्या हक है। रेड लाइट क्षेत्र आपने क्यों चुना मैडम? मतलब देखा जाए सामाजिक कार्य में बहुत से भी, मतलब देखा जाए तो और भी है। मैंने ये चुना नहीं है संदीप भाई, मुझे पहले से ना महिलाएं बच्चों में काम करने की बहुत दिलचस्पी, आपने देखा भी है मैंने समर कैंप्स अरेंज किए, बचतगढ़ इसी से मेरी शुरुआत हुई है और मुझे बहुत पसंद था, और मुझे सर्टन ऐसे कोई कम्युनिटी पे काम करना था कि जिसके लिए मैं अपने डेली रूटीन, अपना घर परिवार बच्चों को संभाल के 15 मिनट आधा घंटा दे सकूं और जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, बदले में मुझे खुशी चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, दैट्स इट। सो उस समय मेरी एक्सीडेंटली माननीय विवेक पंडित भाऊ जो श्रमजीवी संगठना के संस्थापक है और हाल ही में भी मंत्री भी है, सो उनसे मेरी एक्सीडेंटली मुलाकात हुई और मैंने भाऊ का जो मैंने काम देखा उससे मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ और मैंने डायरेक्टली भाऊ को कहा कि भाऊ आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कोई पक्ष में नहीं जाना है, कोई राजनीति में नहीं जाना है, मुझे प्योरली सोशल वर्क करना है। उस समय संगठना से मैं इनडायरेक्टली जुड़ गई और फिर भाऊ ने मुझे कहा कि हनुमान टिकड़ी एक ऐसा दबका है भिवंडी में कि जहाँ पे अनेक प्रॉब्लम्स है, समस्याएं मतलब है, तो उस जी, ने समय, आपको इस तरह जी उस हाँ। समय मुझे पता भी नहीं था कि हनुमान टेकड़ी मीन्स रेड लाइट एरिया है। सो मैंने कहा ठीक है, वहाँ महिलाएं अगर बच्चों के लिए काम करना मिल रहा है भाऊ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस समय भाऊ ने एकदम मंद से स्माइल दी और मुझे कहा कि हनुमान टिकड़ी पता है तुम्हें क्या है? मैंने कहा नहीं, अगर आप इतने वरिष्ठ समाज सेवक मुझे वहाँ बोल रहे काम करने के लिए तो जरूरत है वहाँ पे लोगों को कुछ काम को। तब मुझे भाऊ ने कहा कि आप रेड लाइट एरिया के बारे में जानते हो कुछ?
देह बिक्री करने वाली महिलाओं के बारे में जानते हो कुछ? तो एक सेकंड में एकदम पॉज हो गई कि अरे लाइफ में तो सिर्फ हमने गॉसिप्स किए, सुना है, पिक्चरों में देखा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कि जो कामाटीपुरा में एज अ डॉक्टर जाके चेकअप वगैरह करते थे, तो उस समय मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसे होती होगी। लेकिन कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पर्टिकुलर जाऊं और एकदम कूद के काम करूं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर उस समय जब एक सेकंड में पॉज हो गई, फिर मैंने सोचा ठीक है, सबका जीवन अपना है, सबकी समस्याएं अलग हो सकती है, तो कोई बात नहीं, भाव बता रहे तो काम शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस समय भाव ने हमारे काफ़ी प्रशिक्षण लिए, शिविर लिए, किस तरीके से काम करना है, कैसे सर्वे करना है, उनके प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे एक एक प्रॉब्लम्स आते गए, तो भाव के माध्यम से ही वहाँ पे काम शुरू हुआ है और आज भी उनके आशीर्वाद से ही काम वहाँ चल रहा है। रेड लाइट क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे आज हम कह सकते हैं कि अपनी शिक्षा को हासिल करने के लिए स्कूल में जो जा रहे हैं, इसका इनका खर्चा क्या वो प्राइवेट स्कूल में है या फिर गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो महिलाएं उनकी माताओं पर डिपेंड होता है, कुछ महिलाएं रेडी नहीं होती है अपने बच्चों को अपने से दूर करने के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए हम उन्हें काउंसलिंग करते हैं कि आप बच्चों को ठीक है अपने पास रखना चाहते हो तो, लेकिन उन्हें स्कूल की, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो लोकल स्कूल में जाते हैं भिवंडी के, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टलाइज जाते हैं। वो डिपेंड होता है उस महिला के ऊपर कि वो अपने बच्चे को अपने पास रख के शिक्षा देना चाहती है या अपने से दूर हॉस्टलाइज करके शिक्षा देना चाहती है। मोटो एक ही है कि बच्चा शिक्षा ले। जी, जिस तरह से हमने ये भी एक चीज़ देखा कि रेड लाइट, तो ठीक है आप वहाँ पर काफ़ी मेहनत करें, आपने हम कह सकते हैं कि एक हिसाब से आपने वहाँ पर कमिटमेंट किया है और उस कमिटमेंट को पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि मानसून में यानी कि बरसात में फुटपाथ पर जो गरीब तबके के लोग थे उनके बीच में भी जाकर आपने काफ़ी अच्छा काम किया था, उसकी प्रशंसा तो मैंने स्वतः लोगों से भी की थी कि मैंने बताया भी था कि मैडम का ये काम अच्छा है। मैडम, लेकिन जिस तरह से फुटपाथ पे लोग सोए हुए थे, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि मतलब यहाँ पर लोग हैं और आपको लगता है इसकी जानकारी देने के लिए क्योंकि क्या होता नहीं सूत्र की हमें जरूरत, सूत्र की जरूरत नहीं, लेकिन मैडम क्या होता है अभी शहर में हमारे देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं। आपने जो सवाल किया है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे जरूरतमंद लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है, आपके साथ में टीम होगी तो नहीं, ऐसे टीम ऐसे नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, जो नीडी मुझे लगता है कि हाँ भाई इसकी सेवा करनी चाहिए मुझे तो मैं जरूर करती हूँ, किसी के बोलने पे ऐसा नहीं, हम मेरे मन को लगे हाँ वाजिब है ये जरूरी है तो आई विल डू डेफिनेटली। तो एवरी थर्सडे एंड सैटरडे हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड अब ट्यूजडे भी ऐड हो गया है, सो मुझे अच्छा लगता है कि कोई गरीब को जाके आपके एक हॉस्पिटल है। हाँ है ना, और उस हॉस्पिटल से भी हमें ऐसा पता चलता है कि वहाँ से भी सोशल एक्टिविटी की जाती है, लेकिन आरोप भी बहुत लगा है। देखिए मुझे नहीं पता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हमारे देश में ना बाद में पुतले लगा के और फोटो को जयंती और ये मना के ही उनको याद किया जाता है, जब तक वो बंदा जिंदा होता है ना तब तक उनके विचारों की, उनके काम की कभी वैल्यू नहीं होती है, मैं इतना ही समझती हूँ। और मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने है, मेरा हिसाब किताब लास्ट में वहाँ होने वाला है, तो वो तो शुरू ही है ना। लेकिन कुछ तो होएगा, मतलब जो लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ तो कारण क्या? तो जो आरोप लगते हैं, अनगिनत आरटीआई जाते हैं, उनका जवाब हम देते हैं, और हमें कोई इल्लीगल काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो आज मैंने ये हॉस्पिटल यहाँ नहीं किया होता, मैंने थाना में किया होता था। जैसे आपके सूत्र बताते हैं वैसे मेरे चाहने वाले लोग मुझे बोलते हैं कि आपने भिवंडी में इतना बड़ा सेटअप क्यों किया है जी, आपको तो थाना चला जाना चाहिए था। मैंने और लोगों की तरह तो नहीं किया है कि भिवंडी की जनता से कमाया और खुद का भविष्य बनाने के मैं कल्याण थाना चली गई हूँ। आज ये मतलब मैं अपना इसलिए नहीं बोल रही हूँ, वाकई में ये बहुत बड़ा जिगर का काम है कि भिवंडी में इतना 50 बेडेड हॉस्पिटल विद एवरी फैसिलिटी, जिसमें बंदा डिस्चार्ज होता है तो 10 लोगों का हमें टॉर्चर सहन करना पड़ता है, कोई एक रुपया लाके अपनी जेब से नहीं निकालता है, लेकिन आज मेरे भी बैंक से लोन लिए हुए हैं, लव मैरिज है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, आज जो भी है वो हम हस्बैंड वाइफ का ही कमाया हुआ है, और आप जैसे भाइयों से के हाथों से ही आज तक इस तक पहुंची हूँ, और हिल लाइफ की जो बुनियाद है इसके लिए मैं बिल्कुल खुले दिल से तहे दिल से रियाज आज़मी एंड शाकिर आज़मी इन दोनों की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बंदी को, इस बहन को इस स्तर पे लाने के लिए जो हेल्प की है, जो मैं आज गरीब लोगों की शायद शुरुआती दौर में आपको सोनिया काशी
नाथ पाटिल जी ने भी सपोर्ट किया जी, आज भिवंडी में उनकी वजह से ही आई हूं। साईनाथ पवार ने भी आपको सपोर्ट किया था और आज रियाज भाई ने भी आपको सपोर्ट किया। हॉस्पिटल से मैडम गरीबों को क्या सुविधा है, मतलब वहाँ पर आप एक संस्था चलाती हैं, तो जैसे कि संस्था के माध्यम से हम जितने भी एडमिटेड पेशेंट हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी एंड नाइट डिनर, ये डाइटिशियन के हिसाब से होता है। इसके पीछे वजह यह है कि खाना गया नहीं, आप उस रिलेटिव्स को पूछिए जब वो आराम से बैठे हुए रहते हैं, खाने का समय हो रहा है, समय पर उन्हें खाना खिलाया भी जाता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि जिसको जो फैसिलिटी की आप बता रहे हो तो ठीक है, वो तो एक जो भी बिलिंग होती है उस बिलिंग में हम एक 10% डिस्काउंट तो एवरी पेशेंट को करते ही है मोस्ट ऑफ। उसमें भी अगर बहुत ही ज़्यादा पुअर पेशेंट है और अगर हम और हमारी एनजीओ जो टीम है अगर कर सकते हैं तो हम लोगों की हेल्प लेते हैं या हमारी हेल्प से ही हम लोगों की हेल्प करवा देते हैं। इससे आगे भी अगर मुझे और भी हेल्प करनी है लोगों की, इसलिए हम गवर्नमेंट की जो स्कीम है जैसे फुले योजना वो लाने में बहुत दिन रात करके मेहनत कर रही हूँ। बस अब अगर वो भिवंडी के नागरिकों के नसीब में होगा तो ज़रूर से ज़रूर हिल लाइफ में वो योजना आ जाएगी। भिवंडी के नागरिक को आप कौन सी नज़र से देखते हैं अभी? अच्छी नज़र से देखती हूँ, मेरी नज़र हर एक के लिए अच्छी होती है, मेरे ऊपर आरटीआई करने वालों के लिए भी। भिवंडी शहर जो है काफ़ी पिछड़ा नहीं है सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से? आपको एक समाज सेविका है आप और आप बॉम्बे से भिवंडी आए, हाँ बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है हमारा शहर पीछे नहीं है? अगर हम कंपेयर कोई भी चीज़ को हम अगर कंपेयर करते हैं कंपेयर करने में जाएंगे तो जाहिर सी बात है ठाणा, कल्याण और भिवंडी, इनमें भिवंडी बैकफुट पे ही आएगा कंपेयर करेंगे तो। कारण अदरवाइज अगर पर्सनली आप मुझे पूछे तो मुझे भिवंडी ठीक है स्लोली विकसित ही हो रहा है, आज विकास ही है भिवंडी में। जो 2012 का भिवंडी में देख रही हूँ उस समय में रेयर कोई मतलब टू व्हीलर पहले चला, हमारी गति जो है भिवंडी शहर का विकास की जो गति है वो काफी धीमी है, काफी हमने कल्याण देखा, डोंबोली देखा, वसई विरार देखा, थाना देखा, जबकि भिवंडी की रफ्तार जो है काफ़ी तेज है। और बात की जाए तो भिवंडी शहर एक ऐसा शहर था जो कल्याण, डोंबोली, वसई विरार जैसे शहरों को संभालने का काम करता था, लेकिन आज हमारा शहर पीछे है। आप एक सोशल एक्टिविटी होने के जो आपका एक एक्टिविटी है उसके नाते मैंने ऐसे आपसे सवाल किया कि शहर को किस दिशा की ओर ले जाया जाए कि शहर का विकास हो? आज शहर को एक प्रॉपर अच्छा एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, ये दो चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और थर्ड नंबर पे वो भी इम्पॉर्टेंट है, एक यहाँ पे जैसे लूम्स थे, एक इंडस्ट्री जोन था, लोगों की रोजी रोटी यहाँ पे एक बरकरार थी जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ। कि जिस तरीके से लोग हमारे पास आते हैं, अच्छे बड़े लोग भी हैं, दबके भी गरीब लोग हैं, सेम थिंग लोगों का रोना होता है कि पहले जैसा अब नहीं है। तो टोरेंट पावर का भी काफ़ी मुद्दा आ जाता है उसकी वजह से, लूम्स, मतलब जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, सो दैट कि यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी इंडस्ट्री की ज़रूरत है कि जिससे फिर से भिवंडी बूम हो जाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट शहर का कनेक्टिविटी होनी चाहिए, थाना शहर का जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ग्रामीण भाग में बड़े बड़े कंपनी जो है उनका आगमन हो गया, अब शहर के लोग ग्रामीण की ओर भी जा रहे हैं, तो शहर पे मतलब कुछ रहना चाहिए। आपका कहना ऐसा कि यहाँ पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मतलब घोषित होना चाहिए फिर से? होनी चाहिए, सवाल ही नहीं है, भिवंडी उसी से तो जानी मानी जा रही है। लोग यहाँ भिवंडी का जो आ रहे हैं वो किस मकसद से आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी बंदा भूखा नहीं रह रहा है, भिवंडी की एक खासियत है। क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर आज हमारे स्टूडियो में आप आए, सामाजिक कार्य में आपका हिस्सा रहता है, सामाजिक कार्य के नज़रिए से शहर के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे और आपका सामाजिक जो कार्य रहता है लोगों को जो पीड़ित हैं, जैसे कि सब शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बेहाल परेशान हैं, बहुत से मुद्दे हैं जैसे उनके राशन कार्ड, आपने कहा कि राशन कार्ड बना दिया जाता है, हॉस्पिटल के बेटर रहते हैं और अदर ऐसे मदद के लिए, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल से कि उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपके पास मदद कैसे गुहार लगा रहे? सर
सबसे पहले तो मैं एक मुद्दा फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे सोशल एक्टिविटी को बिल्कुल भी राजनीतिक से न जोड़ा जाए। मुझे ये हाल ही में जो इलेक्शन होने वाला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें कतई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मुझसे जुड़े हुए कोई बंदे हैं या मेरी बहनों में से कोई है, अगर वो इंटरेस्ट लेने वाले होंगे इलेक्शन में, तो मैं ज़रूर से ऐसे लोगों को सपोर्ट करूँगी। दूसरी बात, जैसे आपने आवाम के लिए कहा है और मैं अभी फिर से दोहराऊँगी कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए। शिक्षा ही आपको सर्वाइव कर सकती है। फिर आप चाहे भिवंडी रह के भी मुंबई काम कर सकते हैं, मुंबई में रह के भी भिवंडी के लिए काम कर सकते हैं। नॉलेज होना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। और एक जो चीज़ मुझे बोलना है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड मत होइए। हिल लाइफ हॉस्पिटल जाना है, स्वाति मैडम से बात करनी है, या एक्स वाई जेड किसी के पास भी आप जाना है, तो आप अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखिए, उस बंदे से डायरेक्टली जाके मिलिए, डायरेक्टली बात कीजिए। आप जो मीडिएटर ढूंढते हैं भिवंडी में, मैंने बहुत देखा है, जरिया कोई तो जरिया, क्यों जरिया चाहिए, एक जरिया काफ़ी है हमें एक दूसरे से मिलने के लिए। दैट्स इट। ये थे हमारे साथ में स्वाति सिंह जी, जिन्होंने सामाजिक कार्य को लेकर और खासकर जो इनके ऊपर आरोप लगते थे कि ये आगामी जो 2023 का चुनाव है उस चुनावी मैदान में रहेंगे, लेकिन वो पूरा पिक्चर क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैडम ने कहा कि उनका कोई विचार नहीं है, वो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सामाजिक कार्य करेंगे। साथ ही साथ शहर की जनता से उन्होंने खासकर ये भी कहा है कि एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दें, और एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो शहर की तरक्की होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिले किसी नई खबरों के साथ। अब तक के लिए बने रहे सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।